hello students today our topic is mysql and in this lecture we are going to discuss some sql statements so in our previous video we already discussed discussed about a select statement basically select statement is used to fetch the data from our database table so let us take a quick revision of select query statement after this after that we will discuss some more statement related to mysql so as you can see on the screen दैट द एस क्यू एल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू फैच द डेटा फॉर्म आर डेटा बेस टेबल तो डेटा बेस टेबल से डेटा फैच करने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं एंड यू कैन इज डी सी यूर स्कीम दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट राइट सेलेक्ट देन आफ्टर गिव डिफरेंट कॉलम्स नेम कॉलम नेम वन कॉलम नेम टू एंड अपू कॉलम नेम एन एंड देन आफ्टर की वर्ड फ्राम एंड देन टेबल नेम ओके and if you want to select entire data of a table then we just write select अ स्टार फ्राम एंड देन आफ्टर टेबल नेम ओके तो आपको अगर कुछ कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो आपको कॉलम का नेम देना होगा जस्ट आफ्टर द सेलेक्ट जैसे यहाँ पर कॉलम नेम वन कॉलम नेम टू कॉलम नेम एन दे रखा है और अगर आपको सभी कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो फिर कॉलम का नेम देने की रिक्वायरमेंट है नहीं आपको सेलेक्ट के बाद इस्टार लगाइए स्टार इस का मतलब है कि यहाँ पर ऑल कि आपको सभी कॉलम सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद फ्रॉम और फिर टेबल नेम जो भी टेबल का नेम है वो टेबल नेम आप लिख दीजिए तो इस तरीके से टेबल में अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करने हैं कुछ कॉलम सेलेक्ट करने हैं या सभी कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो आप इन दोनों क्वेरीज़ का यूज़ कर सकते हैं तो फर्स्ट में तो ये है कि कॉलम नेम आपको मेंशन करने होंगे और जो कॉलम नेम आप मेंशन करोगे सिर्फ उनके रिगार्डिंग डेटा ही अपीयर होगा स्क्रीन पर और सेकंड में यह है कि अगर आपको सभी डेटा देखना एंटायर डेटा देखना है टेबल का ठीक है तो आप सेलेक्ट स्टार लगाइए तो ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे चलिए पहले एक टेबल बनाते हैं और उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सेलेक्ट स्टेटमेंट काम करता है तो एक टेबल लेते हैं कस्टमर अब टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा इस टेबल को आपको तो टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम क्रिएट टेबल कमांड क्रिएट टेबल कमांड में हम कॉलम लेंगे आईडी नेम एज एड्रेस और सेलरी तो आईडी का डेटा टाइप लेंगे इंट नेम का लेंगे वेर कैर साइज ले लिया सपोज फिफ्टी एज अगेन इंट एड्रेस अगेन आपका वेर कैर साइज ले लिया हमने यहाँ पर चलिए सेवेंटी और सैलरी हम यहाँ पर इंटीजर ही दिखाई दे रही है तो इंटीजर ही ले लेते हैं ठीक है सैलरी को भी हमने इंट ले लिया क्लियर है उसके बाद आपको इंसर्ट इंटू कमांड यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि आपको ये रोज़ इंसर्ट करनी है ये देख पा रहे हैं आप ठीक है तो ये रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करने हैं इस टेबल के अंदर कस्टमर टेबल के अंदर टोटल सेवन रिकॉर्ड्स से, हैं तो इंसर्ट इनटू ठीक और इंसर्ट इनटू फिर टेबल का नेम टेबल का नेम है कस्टमर्स फिर वैल्यूज़ और फिर वन बाई वन, वन हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है आप जानते हैं किस तरीके से टेबल क्रिएट की जाती है डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है अभी आपको सेलेक्ट का यूज़ करना है तो पहले आपके पास एक टेबल होनी चाहिए अगर टेबल नहीं है तो आप सेलेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते तो टेबल एक हमने ली है इस टेबल का नाम कस्टमर्स है और जब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम uh, कस्टमर्स करेंगे तो ये टेबल आपके सामने अपीयर होगी ठीक है इस तरीके से टेबल अपीयर हो जाएगी तो एक डेटा होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट अब हम यहाँ पर एक डेटा लेके चल रहे ले हैं के पास अगर कोई और टेबल है तो आप उस टेबल का डेटा ले सकते हैं उसके रिगार्डिंग डेटा शो कर सकते हैं लेकिन सेलेक्ट कमांड को कॉपी पर लिखने के लिए पहले आपको एक टेबल आपके पास होनी चाहिए ये टेबल मैंने ले ली है और इस टेबल को बनाने के लिए क्रिएट और इंसर्ट इनटू कमांड का यूज़ होगा ठीक है क्रिएट से टेबल क्रिएट होगी और इंसर्ट इंटू से डेटा इंसर्ट होगा जो डेटा इसके अंदर दे रखा है आपका तभी आपका डेटा कम टेबल कंप्लीट मानी जाएगी नेक्स्ट इसके बाद देखते चलिए तो ये कस्टमर्स टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो गया अभी आपको करना ये है तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं ये सेलेक्ट स्टेटमेंट में पिछली बार बता चुका था आपको ये आपकी कमांड थी कमांड नंबर सेवन ठीक है और एक थोड़ा सा अभी क्विक रिविज़न हम कर रहे हैं इसका क्योंकि इससे रिलेटेड और भी कुछ कमांड्स हैं तो उनको देखेंगे तो देखिए अगर आपको सिर्फ कुछ कॉलम से रिलेटेड डेटा ही चाहिए मान लीजिए आपको आई डी नेम और सैलरी चाहिए आपको बाक़ी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो फिर आप यहाँ पर मैंशन करेंगे देखिए सेलेक्ट आई डी नेम सैलरी फ्रॉम और फिर टेबल नेम तो आपको आई डी नेम और सैलरी चाहिए तो आई डी नेम और सैलरी को ही मैंशन की सेलेक्ट के बाद ठीक है तो आईडी नेम और सैलरी को मेंशन करेंगे तो सिर्फ आईडी नेम और सैलरी के रिगार्डिंग डेटा ही डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर हो जो बाकी डेटा वो डिस्प्ले नहीं होगा टेबल कस्टमर का आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको और आपको कंप्लीट डेटा चाहिए तो फिर हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर तो ये कंप्लीट डेटा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा चलिए अब बात करते हैं एट पॉइंट नंबर एट की सेवन तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ये आपको इसलिए बताया क्योंकि अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है वेयर क्लॉज और वेयर क्लॉज हमारा एस क्यू एल सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज़ किया जाता है तो उसके लिए सेलेक्ट का पता होना चाहिए इसलिए सेलेक्ट का थोड़ा सा भी हमने क्विक एक रिविज़न देखा तो वेयर क्लॉज क्या है वेयर क्लॉज एक्चुअली में रिकॉर्ड्स को फिल्टर करता है देखिए अगर आपको कुछ कॉलम चाहिए तो आप सेलेक्ट के साथ उन कॉलम्स को मैंशन कर दीजिए कॉलम का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा आपको कम्प्लीट कॉलम चाहिए तो आप सेलेक्ट के साथ स्टार यूज़ कर दीजिए लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना है तो रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करने के लिए वेयर क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये टेबल है और इस टेबल में हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि सिर्फ़ उन कस्टमर्स की डिटेल पता लगाना चाह रहे हैं जिनकी एज लेस देन थर्टी है उन कस्टमर्स की डिटेल पता लगाना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको रिकॉर्ड को फ़िल्टर करना होगा कॉलम के रिगार्डिंग डेटा तो आएगा ही स्क्रीन पर ठीक है तो वो फिर वेयर क्लॉज के थ्रू ही पॉसिबल है कैसे वो तक काम करता है ये देखिए द वेयर क्लॉज इज यूज़ टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और भी है कि वेयर क्लॉज ऐसा नहीं है सिर्फ सेलेक्ट के साथ यूज़ होता है वेयर क्लॉज आपका सेलेक्ट के साथ तो यूज़ होता ही है साथ में ये अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट के साथ भी यूज़ होता है जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे ठीक है तो वेयर कंडीशंस अगर हमें रिकॉर्ड्स पर कुछ कंडीशंस लगानी है तो उसके लिए फिर हमें वेयर क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा कैसे करते हैं तो सेलेक्ट स्टेटमेंट आप पहले से जानते हैं ये देखिए सेलेक्ट स्टेटमेंट है इसको ऐसे एज इट इज लिख दीजिए टेबल नेम तक उसके बाद वेयर लिखिए और जो भी कंडीशन आपको रिकॉर्ड्स पर अप्लाई करनी है वो कंडीशन वेयर के बाद लिख दीजिए और इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ होता है मेनली वेयर के साथ जो हम कंडीशन लिखते हैं चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको तो एक टेबल है ये ठीक है टेबल आपने बनाई ली होगी अभी तक तो टेबल आपको अगर आपने नहीं बनाई तो पहले क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू टेबल बनाइए डेटा इंसर्ट कीजिए तभी आप वेयर क्लॉज इस पर अप्लाई कर पाएंगे प्रैक्टिकली ठीक है ये देखिए अगर आपको सपोज ये पता करना है कि सिर्फ़ आपको उन कस्टमर्स की डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी टू थाउजेंड से ज़्यादा है तो उस केस में आप क्या करेंगे तो पहले तो ये देखिए अब यहाँ पर दो बातें हैं कि आपको कॉलम कौन कौन से चाहिए और आपको रिकॉर्ड पर फ़िल्टर करने के लिए कंडीशन क्या क्या है तो अगर आपको सभी कॉलम चाहिए तो कोई बात ही नहीं है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कर देंगे ये बात याद रखिएगा सेलेक्ट के बाद जो हम कॉलम नेम देते हैं या स्टार देते हैं बेसिकली या आ, तो इसका मतलब सिंपल से इतना है कि हम फिल्ट्रेशन कॉलम पर लगा रहे हैं स्टार दे दिया तो कोई फिल्ट तो सभी कॉलम सेलेक्ट हो ही जाएंगे लेकिन अगर हम कुछ कॉलम नेम नहीं देंगे तो सिर्फ उन्हीं कॉलम के रिगार्डिंग डेटा डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर एक तो बात ही रही लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड पर फिल्टर लगाना है तो फिर हमें टेबल नेम के बाद वेयर क्लॉज लिखते हैं और फिर उसके बाद कंडीशन देते हैं और जैसे मैंने बताया कि जो हम कंडीशन देते हैं उस कंडीशन में हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जैसे यहाँ देखिए आप इसमें मैंने लिखा वेयर सेलरीज ग्रेटर देन टू थाउजेंड अच्छा अब इसके अंदर इसको अगर हम कम्प्लीटली देखें तो क्या है सेलेक्ट आई तो हमें सभी कॉलम नहीं, लेमनी चाहिए हमें कुछ कॉलम नेम चाहिए तो हम सिर्फ उन कॉलम का नेम मेंशन करेंगे तो हमने लिखा सेलेक्ट आईडी नेम सैलरी ठीक है उसके बाद लिखा फ्रॉम और फिर कस्टमर्स बेस्ट सैलरी ग्रेटर देन टू थाउजेंड जहाँ सैलरी टू थाउजेंड से ज़्यादा है तो थ्री कॉलम सेलेक्ट हो गए एक तो आई हो गया एक नेम हो गया एक सैलरी हो गया क्लियर है और इनमें अगर हम डेटा देखेंगे तो डेटा वही डिस्प्ले होगा जिसमें सैलरी टू थाउजेंड से ज़्यादा है हो गया आपको चलिए आगे देखते हैं अभी आपको ऐसा है कि आपको सिर्फ हार्दिक की डिटेल चाहिए हार्दिक की आईडी चाहिए हार्दिक का नेम चाहिए और हार्दिक की सैलरी चाहिए तो आप क्या करेंगे तो हम लिखेंगे सेलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम इक्वल टू हार्दिक ठीक है तो देखिए हार्दिक की आईडी हार्दिक का नेम हार्दिक की सैलरी आ जाएगी यहां पर चूंकि स्टिंग है ठीक है तो आपने यहां पर इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है तो ये भी ध्यान रखिएगा एक ये हो गया आपका आगे देखते हैं पॉइंट नंबर नाइन एस एंड एंड और ऑपरेटर्स तो एस क्यू एल एंड एन ऑपरेटर्स में देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कंडीशन एक से ज़्यादा होती हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे अब कंडीशन आपके पास एक से ज़्यादा है और उसमें भी ऐसा है कि आ, आपको किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पर भी आपको रिज़ल्ट को शो करना है या ऐसा भी हो सकता है कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तब तक रिज़ल्ट शो ना हो कुछ ऐसा करना है तो फिर वहाँ आप यूज़ करते हैं एज क्यू एंड एंड और सब जैसा इसका नाम है एंड एंड और तो जब एंड से सेपरेट करते हैं कंडीशन के तो दोनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगी तब तक रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा ओके और, और में क्या है और में दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाइड है तो फिर उसके रिगार्डिंग डेटा डिस्प्ले हो जाएगा ठीक है पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो पहली कंडीशन के रिगार्डिंग डेटा डिस्प्ले हो जाएगा सेकंड है तो सेकंड ट्रू uh, है तो सेकंड के अकॉर्डिंग हो जाएगा दोनों ट्रू है तो दोनों के अकॉर्डिंग हो जाएगा लेकिन एंड में ऐसा नहीं है एंड में हम क्या काम करते हैं एंड से जब हम कंडीशन को सेपरेट करते हैं तो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होंगी तभी डेटा डिस्प्ले होगा अदरवाइज डेटा डिस्प्ले नहीं होगा समझने की कोशिश करते हैं एंड एन और ऑपरेटर पॉइंट नंबर नाइन यही है एस क्यू फाइल का आपका एंड एंड और ऑपरेटर तो so, the and operator displays a record if both the first condition and and the second condition are true and the or op and the or operator displays a record if either the first condition or the second condition is true तो so, और मैं या तो पहली condition true होगी या second condition true होगी दोनों condition true हैं तो भी result display हो जाएगा मतलब एक condition का true होना compulsory है और के साथ अगर result record display करना है तो तो देखिए select तो हम पहली पढ़ चुके थे ठीक है इसमें तो कोई चेंज नहीं है बेर भी हम पहले पढ़ दिए थे पढ़ चुके हैं तो अब इसमें हमारे पास नया के निकल क्या निकल के आया नया ये निकल के आया कंडीशन हो गई हमारे पास टू टू से ज़्यादा भी हो सकती हैं ठीक है थीके? तो वहाँ भी एंड और और से सेपरेट कर सकते हैं बात वही रहेगी जो अभी रूल था रूल सेम अप्लाई होगा तो अगर हमने कंडीशन वन लिखी और फिर कंडीशन टू लिखी उसके बाद और दोनों को एंड से सेपरेट कर दिया इट मीन्स अब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा और और से कर दिया तो दोनों में से कम से कम अगर एक भी ट्रू है तो उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं उससे थोड़ा सही समझ में आएगा इसको अगेन टेबल हमने वही ले ली आप टेबल बना चुके होंगे इस टेबल को तो आपको अलग से कोई टेबल बनानी नहीं है अभी इसी टेबल पर काम चल रहा है आपका कस्टमर्स टेबल पर ठीक है चलिए तो अभी आपने क्या काम किया देखिए ये स्टेटमेंट लिखा इसको ध्यान से देखिएगा सेलेक्ट आईडी नेम सैलरी तो एक बात तो इसमें फिक्स है कि आई डी नेम और सैलरी ये थ्री कॉलम सी सेलेक्ट होंगे किस टेबल के फ्रॉम कस्टमर्स टेबल कस्टमर्स के ठीक है अब यहाँ पे क्या लिखा वेयर सैलरी ग्रेटर देन टू थाउजेंड जहाँ सैली कितनी है टू थाउजेंड से ज़्यादा है एंड एज इज लेस देन ट्वेंटी फाइव और एज किससे ज़्यादा लेस देन है ट्वेंटी फाइव से तो सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जहाँ सैलरी टू थाउजेंड से ज़्यादा है और एज ट्वेंटी फाइव से कम है और उस रिकॉर्ड में भी सिर्फ आईडी नेम और सैलरी वाले कॉलम डिस्प्ले होंगे ठीक है चलिए देखते हैं सैलरी देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ सैलरी ग्रेटर देन टू थाउजेंड है तो चलिए इसको देखते हैं सैलरी ग्रेटर देन टू थाउजेंड कहाँ है एक तो इस केस में है एक इस केस में इन लास्ट के फोर रोज़ में है ये फोर रोज़ हो गई ये देख ही पा रहे होंगे आप ठीक है अब एज इज ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव तो एज ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव इसमें तो नहीं है रूपाली वाले केस में तो नहीं है और ना ही कोमल वाले केस में किस केस में सिर्फ हार्दिक में और सिर्फ मोनिका में ठीक है देखिए ये आपको अप्लाई करने के लिए पहले आपके पास एक टेबल होनी चाहिए एटलीस्ट टेबल नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते इसलिए क्रिएट टेबल और इंसर्ट इंटू कमांड के थ्रू आप पहले टेबल बना लीजिए और टेबल बनाने के बाद फिर इसको अप्लाई कीजिए तो ये हार्दिक और मोनिका वाली रो सेलेक्ट होंगी लेकिन इसमें भी हमारे साथ क्या है हार्दिक और मोनिका वाली रो तो डिस्प्ले होंगी लेकिन एक मिनट वेट ए मिनट कंडीशन क्या थी कंडीशन देखते हैं एज लेसन ट्वेंटी फाइव है ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव नहीं लेस देन ट्वेंटी फाइव है लेस देन ट्वेंटी फाइव कहाँ लग रही है लेस देन ट्वेंटी फाइव लग रही है आपकी यहाँ पर कोमल पर ठीक है ठीक है और मोनिका पर, इन दोनों पर कंडीशन अप्लाई हो रही है और इन दोनों में भी क्या डिस्प्ले होगा सिर्फ आईडी नेम और सैलरी का क्योंकि ये सिर्फ यही तीन कॉलम हमने सेलेक्ट किए हैं बाकी और कोई कॉलम हमने सेलेक्ट नहीं किया तो ये यूज़ होता है एंड का तो एंड से जब कभी भी हम कंडीशन को सेटिस्फाइड कर कंडीशन को सेपरेट करते हैं तो उस केस में दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है जब तो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तो डेटा डिस्प्ले नहीं होगा जैसे ये जो दो रिकॉर्ड आपके सेलेक्ट हुए ये दोनों रिकॉर्ड सैलरी ग्रेटर दैन टू थाउजेंड और एज लेस दैन ट्वेंटी फाइव दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तभी ये दोनों रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए और इन दोनों रिकॉर्ड में भी सिर्फ हमने आईडी नेम और सैलरी का ये तीन कॉलम इसलिए डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि हमने यही थ्री सेलेक्ट किए हैं कॉलम अभी आपको क्लियर हो गया होगा एंड के थ्रू क्या होता है चलिए और का समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपके दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो उसका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा ठीक है तो एंड जस्ट uh, और का अपोजिट है थोड़ा सा एंड में दोनों पर कंपल्शन था कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी डेटा डिस्प्ले होगा पर और में ऐसा नहीं है और में अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो उस कंडीशन का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा सेकंड कंडीशन ट्रू है तो सेकंड का डेटा डिस्प्ले होगा फर्स्ट कंडीशन ट्रू तो फर्स्ट का डेटा डिस्प्ले होगा दोनों का ट्रू है तो दोनों का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा जैसे इसी केस में लगाते हैं हम सैलरी ग्रेटर दैन टू जैसे ही मैं सैलरी ग्रेटर दें टू थाउजेंड वाली कंडीशन लगाता हूँ और और से दूसरी कंडीशन सेटिसफाइड करता हूँ इसमें एज इज़ लेस एन ट्वेंटी फाइव तो उसके इसमें क्या होगा जितने भी कस्टमर्स हैं जिनकी सैलरी टू थाउजेंड से ज़्यादा है यहाँ कस्टमर्स अवेयर के बीच में स्पेस आएगा ध्यान रखिएगा ठीक है प्रिंटिंग मिस्टेक है तो सैलरी जितने भी कस्टमर्स की टू थाउजेंड से ज़्यादा है उन सभी का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा और उन सभी का डेटा भी डिस्प्ले हो जाएगा जिनकी एज ट्वेंटी फाइव से कम है चाहे सैलरी टू थाउजेंड से ज़्यादा हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कंडीशन फिर मैटर करती है तो ये कोई भी रिकॉर्ड अगर इन दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को सेटिसफाइड कर रहा है उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐसी टोटल फाइव रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर ठीक है बाकी जो आपके वन और टू डिस्प्ले नहीं हो रहे वन और टू डिस्प्ले डिस्प्ले नहीं हो रहे क्योंकि वो इन दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं चलिए देखते हैं तो और समझ में आएगा देखिए ना तो इन दोनों में वन और टू में सैली टू सैली ज़्यादा है टू थाउजेंड से और ना ही इनमें एज ही लेस देन ट्वेंटी फाइव है तो इसलिए इन दोनों में से कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा बाकी सभी केसेस में आपके या तो सैलरी आपकी ज़्यादा है टू थाउजेंड से या फिर एज ट्वेंटी फाइव से कम है या फिर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं देखिए दोनों भी हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें को इसमें कम से कम एक कंडीशन का एक कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए एटलीस्ट एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा तो ये और का एडवांटेज रहता है जब हम और से सेपरेट करते हैं कंडीशन को तो और ऐसा नहीं है कि हमेशा दो कंडीशन होंगी तो उनको ही सेपरेट करना है दो मोर देन टू भी होंगी तो उसमें भी सेम लॉ अप्लाई होगा एंड का भी सेम लॉ अप्लाई होगा और का भी सेम लॉ अप्लाई होगा अभी आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा आगे देखते हैं नेक्स्ट आता है लाइक क्लास ये है पॉइंट नंबर टेन आपकी प्रैक्टिकल फाइल का मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट पैटर्न uh, पता नहीं होता ठीक है एग्जैक्ट हम ये कहें एग्जैक्ट हमें कंडीशंस uh, नहीं पता होती जैसे मान लीजिए मुझे ये नहीं पता कि सपोज uh, हार्दिक का रिकॉर्ड मुझे देखना है तो मैं तो नेम इक्वल टू तो हार्दिक लिख दूंगा तो हार्दिक का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा या मुझे ये करना है कि एज लेसन ट्वेंटी फाइव करना है तो एज लेसन ट्वेंटी फाइव का रिकॉर्ड तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट पता था लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट नहीं मालूम होता है एक आइडिया होता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मुझे uh, सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पता करना है जिनका नेम पी से स्टार्ट होता है अब वो कुछ भी हो सकता है पवन हो सकता है प्रवीण हो सकता है पुनीत हो सकता है प्रियंशु हो सकता है वट ये कुछ भी हो सकता है लेकिन पी से होगा ये पता है एग्जैक्ट नहीं मालूम है पी से स्टार्ट होगा बस उनका डिटेल मुझे चाहिए और वो नेम कितने भी करेक्टर्स का हो सकता है थ्री का फाइव का सेवन का एट का वन का भी हो सकता है किसी का ये भी हो सकता है नेम पी हो होता नहीं है लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आपको तो वहाँ पर आपको लाइट क्लॉज यूज़ करना पड़ता है जैसे इसका नेम है लाइट क्लॉज तो ये एक्चुअली पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ होता है और उसके साथ टू वाइल्ड कार्ड कारैक्टर्स यूज़ होते हैं और वो वाइल्ड कार्ड करेक्टर कौन कौन से हैं पहला तो परसेंटेज और सेकेंड है अंडर इसको भी हम सेलेक्ट के साथ ही यूज़ करते हैं कोई अलग से यूज़ नहीं करेंगे इसको अपने आप में इंडिविजुअल इसकी कोई वैल्यू नहीं है सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही इसको यूज़ किया जाता है हमेशा तो इसके साथ टू वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स यूज़ होते हैं परसेंटेज और अंडरस्कोर क्यों यूज़ करते हैं उनका क्या काम है ये समझने की ज़रूरत है जब कभी भी एक स्ट्रिंग मिसिंग होगी तो हम हमेशा परसेंटेज साइन का यूज़ करेंगे लेकिन जब कोई एक करेक्टर मिसिंग होगा तो वहाँ पर हम अंडरस्कोर का साइन यूज़ करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा तो जब हम परसेंट साइन का यूज़ साइन uh, का यूज़ करेंगे तो वो ज़ीरो वन या मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है जबकि अंडरस्कोर क्या रिप्रेजेंट करेगा एक सिंगल नंबर या एक सिंगल कैरेक्टर की मिसिंग को रिप्रेजेंट करेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है चलिए देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं इसको देखिए पहला केस है आपका चलिए ये मैं सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर बाकी आपका आपको वो लिखना ही लिखना है कंप्लीट स्टेटमेंट जैसे लिखना है सेलेक्ट ठीक है स्टार फ्रॉम टेबिल नेम कस्टमर आपके पास ऑलरेडी है तो लिख दिए कस्टमर कस्टमर्स ठीक है इसके बाद कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए सिर्फ इतना पार्ट लिखा है उसके बाद फिर आपको यही लिखना है वेयर ठीक है तो देखिए क्या होगा अलग अलग मैंने दे रखा है क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना पॉसिबल नहीं है इसलिए अलग अलग एग्जाम्पल ले रखे हैं चलिए तो यहाँ ये ये था आपका अभी आपने लिया वेयर सैलरी लाइक टू हंड्रेड परसेंट ये लिखा आपने तो इसमें क्या होगा कि वो सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे जिनमें सेलरी की स्टार्टिंग थ्री डिजिट टू हंड्रेड है तो उसमें टू हंड्रेड भी आ जाएगा उसमें टू थाउजेंड भी आ जाएगा उसमें ट्वेंटी थाउजेंड भी आ जाएगा हालांकि ट्वेंटी थाउजेंड है नहीं लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है ये सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे ठीक सेकेंड केस को देखिए अब इसको करके देखिएगा इसका जो भी आउटपुट आया एग्जीक्यूट करने के बाद वो आउटपुट आपको स्क्रीन पर लिखना है ठीक है यहाँ नहीं दे रखा आपको अपनी कॉपी में प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है सेकेंड है परसेंटेज टू हंड्रेड परसेंट तो उसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग की कोई भी डिजिट कुछ भी हो सकती है और कितनी भी डिजिट हो सकती हैं लेकिन उसमें टू हंड्रेड कहीं ना कहीं इन बिटवीन आएगा ही आएगा फर्स्ट थ्री प्लेसेस पर यह आ सकता है उसके बाद भी आ सकता है इसका मतलब यह है कि इससे पहले कोई एक डिजिट या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट होगी मैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट को सी डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक है और टू हंड्रेड के बाद भी कोई कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स होगी ठीक है और बीच में टू हंड्रेड आएगा ये थ्री डेट आएंगी कहीं ना कहीं तो इसका मतलब ये है कि टू हंड्रेड हमारी सैलरी का पार्ट होगा वो स्टार्टिंग में हो सकता है मिड में हो सकता है लास्ट में हो सकता है क्योंकि परसेंटेज का मतलब नल भी होता है उसमें नल लिस्टिंग भी या नल डिजिट भी इंक्लूडेड होती है मतलब अगर आ, इसमें ऐसा नहीं है कि एक कुछ करेक्टर से डिजिट होंगी होंगी नहीं भी है तो भी वो भी कंसीडर किया जाता है लेकिन इसका मतलब यह है कि टू हंड्रेड तो इसमें आना ही है इसको तो आना ही है ठीक है ये मेन इंपॉर्टेंट बात है चलिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं फिर लिया हमने अंडर स्कोर ज़ीरो ज़ीरो अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब अंडर स्कोर का मतलब सिंगल डिजिट या करेक्टर ठीक है तो अभी अगर अंडर स्कोर ज़ीरो ज़ीरो है यहाँ पर और फिर इसके बाद परसेंटेज भी ये ध्यान रखने वाली बात है तो यहाँ अंडर स्कोर का मतलब है सिंगल कैरेक्टर आपका मिसिंग है और यहाँ पर क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट मिसिंग है यहाँ पर तो किस तरीके से नंबर आएंगे देखिए ज़ीरो ज़ीरो तो आएगा ही उसमें तो इसको तो लिख ही दीजिए अब सिंगल कैरेक्टर है तो यहाँ वन भी आ सकता है ठीक है यहाँ आपका टू भी आ सकता है टू हंड्रेड भी हो सकता है यहाँ थ्री हंड्रेड भी हो सकता है फोर हंड्रेड भी हो सकता है फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड कुछ भी ऐसे हो सकता है नाइन हंड्रेड तक कुछ भी हो सकता है ठीक है और उसके बाद है आपका परसेंटेज परसेंटेज का मतलब है यहाँ पर कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है तो यहाँ पर मान लीजिए वन टू या कुछ ऐसे या वन टू थ्री ठीक है इस तरीके से आपका आ सकता है आ, या फिर आपका टू फाइव सेवन जब चलिए थोड़ा सा अलग लेते हैं सिक्स सेवन एट नाइन थ्री सिक्स सेवन एट इस तरीके से भी आ सकता है तो इसको भी समझने की ज़रूरत है तो ये सभी इसके अंदर वैलिड सैलरी होंगी आगे देखते हैं फिर आपने लिखा टू अंडर स्कोर परसेंट अंडर स्कोर परसेंट तो इसका मतलब ये है कि देखिए अब इसका थोड़ा सा समझना ज़रूरी है आपको तो टू तो टू से तो स्टार्ट होगा ये तो कंपलसरी है इसके बाद कोई भी एक डिजिट का होना कंपलसरी है वो ज़ीरो से लेके नाइन तो कुछ भी हो सकता है ठीक है उसके बाद मैं सपोज़ यहाँ पर वन ले लेता हूँ उसके बाद कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट होगा और उसके बाद फिर एक करेक्टर फिर एक डिजिट होगी वो डिजिट कुछ भी हो सकती है सपोज़ मैं यहाँ पर टू ले ले रहा हूँ या चलिए थ्री ले लेते ले हैं और फिर उसके बाद कुछ भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट होगी होगी जब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट बोलता हूँ तो यहाँ पर ये यह बात भी समझने वाली है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट हो भी सकती नहीं भी हो सकती इसमें नल भी इंक्लूडेड है तो अगर मैं आपसे ये कहूँ इसके अंदर कि मिनिमम कितने डिजिट होंगे मिनिमम कितने डेट की सैलरी होगी तो आप वो ध्यान रखिएगा वो मिनिमम थ्री करेक्टर इन लेंथ की होगी लिखा भी हुआ है फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विथ टू एंड एटलीस्ट ऑफ थ्री करेक्टर इन लेंथ कम से कम थ्री करेक्टर तो होंगे ही होंगे उसके अंदर ठीक है चलिए आगे का देखते हैं आगे देखा परसेंटेज टू इसका मतलब है पहले कोई भी एक आपका डेट होगी और उसके बाद या डिजिट का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा उसके बाद जो एंड होगा वो एंड टू पर होगा ये इंपॉर्टेंट है तो टू पर एंड होगा तो वो टू भी हो सकता है वन टू भी हो सकता है थ्री वन टू भी हो सकता है टू 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 भी हो सकता है इन सभी में क्या कॉमन है इन सभी में कॉमन ये है कि टू पर एंड हो रहा है ठीक है तो एक ही रहा आगे देखते हैं तो आपने लिया अंडर स्कोर टू परसेंटेज थ्री तो इसका मतलब एंड तो थ्री पर होगा सेकेंड डिजिट का टू होना कंपलसरी है फर्स्ट डिजिट कुछ भी हो सकती है कुछ इस तरीके से मान लीजिए वन ठीक है उसके बाद कोई भी एक स्ट्रिंग हो भी सकती है नहीं भी क्योंकि तो परसेंटेज जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ग्रुप ऑफ डिजिट्स या ग्रुप ऑफ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है इस केस में चूँकि ये इन टाइप है तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है तो मे बी एक कॉमन एग्जाम्पल ये होगा वन टू थ्री और ये मान लीजिए डिजिट मैंने फोर ले ली तो कुछ इस तरह की सैलरी को रिप्रेजेंट करेगा और एटलीस्ट उसके अंदर थ्री डेट तो होंगी होंगी क्योंकि पहला तो अंडर है तो वहाँ तो डेट का होना कंपलसरी है ठीक है और फिर वहाँ उसके बाद आएगा आपका टू फिर तो उसके बाद अगर कोई स्टिंग हुई तो आएगी नई स्टिंग स्टिंग का सेट ऑफ़ करेक्टर्स या सेट ऑफ़ डेट्स हुआ तो आएगा यहाँ पर ये चूँकि एन टाइप की वैल्यू तो डेट्स आना यहाँ पर डेट्स को आना चाहिए यहाँ पर और अगर कोई डेट नहीं है तो भी आपका थ्री से तो एंड वो होगा ही होगा तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो आपका क्या आएगा वन टू थ्री आएगा ये ध्यान रखिएगा इसमें ठीक है लास्ट देखते हैं केस लास्ट केस में स्टार्ट किससे हो रहा है स्टार्ट हो रहा है टू से और एंड किससे हो रहा है थ्री से और इसके बीच में कोई भी एक नंबर होगा और नंबर क्या हो सकता है जीरो से लेकर नाइन तक तो कोई भी एक नंबर हो सकता है तो एक बात तो इसमें फिक्स है कि थ्री डेट की सैलरी होगी ठीक है स्टार्ट टू से होगी एंड थ्री से होगी और बीच में जो भी एक नंबर होगा जीरो से लेकर नाइन तक तो कोई भी एक नंबर हो सकता है तो ये लाइक like लॉस का एग्जाम्पल था इसको आप रन करके देखिएगा और उसके जो भी आउटपुट है उसको कॉपी पे लिखी आपको सही समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करते हैं आपके लाइक लॉस ठीक है नेक्स्ट अपने वीडियो में हम इनका प्रैक्टिकल uh, Uh, करके देखेंगे रन करा के देखेंगे तब तक आपके लिए जो आज कमांड्स बताइए इनको कॉपी पे लिख लीजिए ये कमांड्स हैं आपकी टोटल टेंथ तक हो गया आपका टेंथ पर आपका एस्किल लाइक क्लॉज है इसको लिख लीजिएगा और इसको रन कराइएगा अपने कंप्यूटर पर देखिएगा क्या आउटपुट आता है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनको एग्जीक्यूट करा के देखेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से एस्किल इसका आउटपुट शो करता है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो